जा रहा है कि घोषणाएं चाहे मुख्यमंत्री हो प्राइम मिनिस्टर हो करते कुछ हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अगर ये भी मान दें कि 10-20% अगर न हो 80% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उल्टी है, 10-20% इम्प्लीमेंट होता है 80% इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसलिए हमारे गरीब मजदूर लोग या तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिए पोर्टल इन्होंने बनाया है वो नहीं खुलता है, नोडल पदाधिकारी इन्होंने बनाया है वो कोई जवाब नहीं देता है, तो और वहाँ का जिस जिला में जिस प्रदेश में हैं वहाँ के लोग और कंपनी लोग हमारे मजदूर को डंडा मार के भगा रहे हैं, जो कमाए हैं उसकी मजदूरी भी नहीं देते हैं और भाग रहे हैं, और लाचारी भूखे प्यासे लोग जो महाराष्ट्र से कच्छ से लोग आ रहे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। और बिहार में ये बात कर रहे हैं अलग माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो हमारे लोग आ रहे हैं चाहे क्वारंटाइन सेंटर का मामला हो आइसोलेशन सेंटर का मामला हो, तो आइसोलेशन सेंटर तो बहुत कम है लेकिन क्वारंटाइन सेंटर इतने हैं कि जहाँ पर 150-150 लोग रह रहे हैं टॉयलेट एक या दो है, उनको न साबुन मिलता है न तौलिया मिलती है न तेल मिलता है न खाने का मिलता है। खाने के नाम पर सुना है कि 400 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जाता है एक दिन में, लेकिन जो खाना वहाँ देते हैं हम समझते हैं कि कभी काल वही अगर 100 आदमी हैं तो 50 आदमी को खाना देते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, कहा भाई तो अभी आए हो अब नहीं खाना मिलेगा। कहने का मेरा मतलब है हमारे क्षेत्र में मैगरा एक है जहाँ ITI है वहाँ 400 हमारे लोग हैं उनको खाना मिलता था 100 को, अंत में उन लोगों ने रोड जाम किया, हल्ला किया, हंगामा किया, रोड़ेबाजी किया। उसी तरह से रानीगंज में है, उसी तरह से अन्य जगहों में देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जो VC में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात हो रही थी, हमने उनको कहा आप निर्देश देते हैं समीक्षा कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद आपको, लेकिन आपके समीक्षा का आदेश का जो पालन होता है वो नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि आप पदाधिकारियों पर डिपेंड करते हैं, पदाधिकारी अपना ETC कर लेता है निर्देश दे करके, और नीचे वाले लोग मुखिया को डरा करके और ये सब कर करके जो BDO लोग वहाँ पर नोडल पदाधिकारी है छुट्टा एक तरह से अनियमितता कर रहा है, उसको गेयर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को विधायक लोगों को लगाइए, कमेटी बनाइए प्रखंड स्तर पर ताकि वो करे। अब यहाँ तो कर देते हैं साहब, इसमें भी अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि लोग जाता है अब विरोधी दल के लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का ब्रेक किया, तो इस तरह से नहीं चलेगा। इसलिए सभी विधायक को समन्वय रूप में आप प्रखंड स्तर पर या मंडल स्तर पर निगरानी समिति बना करके दीजिएगा तो आपका क्वारंटाइन सेंटर ठीक चलेगा और जो आए हैं उनकी स्थिति ठीक रहेगी, वरना किसी की स्थिति ठीक नहीं है।